एवरीवन, वेलकम टू डेल फूड। आज मैं आपके लिए और स्पेशली किड्स स्पेशल चाइनीज पोटली बनाने जा रही हूँ। चाइनीज नाम सुनकर आप थोड़ा सरप्राइज मत हो जाइएगा। एक्चुअली इसमें केवल चाइनीज के नाम पर केवल सोया सॉस है, ओके? लेकिन अब पोटली तो आपने बहुत सुनी होगी, बट मैंने सोचा चलो कुछ चाइनीज मोमोज वाला फ्लेवर, बट वो पोटली की फॉर्म में होना चाहिए, ओके? तो उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने कॉर्न फ्लोर को भी बहुत कम लिया है। केवल ये वाला स्पून जो है, ये कम से कम इसमें मेरी 10-12 पोटलीज रेडी हो जाएंगे। ये केवल ये वाला स्पून, 3 स्पून सूजी है और 3 स्पून ये मैंने कॉर्न फ्लोर लिया है, लेकिन मैंने व्हीट फ्लोर ज्यादा लिया है, ओके? व्हीट फ्लोर जो हम घर पे रोटी चपाती बनाने के लिए लेते हैं, वो कम से कम 1 बोल, लगभग 100 ग्राम। ये मैगी को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसको ठंडे पानी में एकदम से वॉश कर दिया था, जिससे ये चिपकती नहीं है, ये अलग अलग रहेंगी। ठंडे पानी से करेंगे तो ये खिली खिली रहती है, वरना ये चिपक भी सकती है आपस में। मस्टर्ड ऑयल आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, बट यूजुअली आई प्रिफर मस्टर्ड ऑयल, ओके? जिंजर पेस्ट, व्हाइट सॉल्ट और लिटिल बिट 1 पिंच मैंने ये ग्रीन कलर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा कलरफुल पोटली बनाऊंगी तो बच्चों को अच्छी लगती है। एंड वेजिटेबल्स भी ऑप्शनल है, आपको जो पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं, बट आई यूजुअली प्रिफर कैरेट, विटामिन ए सोर्सेज वाले, जिससे कि बच्चों की डाइट में भी प्रॉपर हमारा एक फ्लेवर के साथ पूरा डाइट जा पाए। कॉर्न, पी, सफल मटर जो, पॉमीग्रेनेट्स एंड ग्रीन चिली, अनियन एंड बीन्स, ओके? ये ब्लैक पेपर एंड टोमेटो केचप 1 स्पून एंड मैगी मसाला, ओके? चलिए, और अगर आप चाहें तो इसमें हर्ब डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, एंड सोया सॉस। नाउ लेट्स बिगन। सबसे पहले मैं इसका डो रेडी करती हूँ। एक्चुअली उस डो को हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट करवाना होगा और उसके बाद हम अपनी ये वेजिटेबल्स को रोस्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा ये व्हीट फ्लोर, मैंने व्हीट फ्लोर इसलिए लिया है कि कॉर्न फ्लोर एक एक्सेस में है, थोड़ा हमारी बॉडी के लिए भी सही नहीं होता, तो हम व्हीट फ्लोर में बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका वो फ्लेवर चेंज ना हो उसके लिए मैंने कॉर्न फ्लोर लिया है। 3 स्पून सूजी एंड कॉर्न फ्लोर सेम है और व्हीट फ्लोर मैंने थोड़ा ज्यादा लिया। अब लिटिल बिट सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड 2 स्पून ऑनली 2 स्पून ऑयल। केवल ये मोमन का काम करता है, थोड़ा खस्ता फ्लेवर आता है एक्चुअली, दैट इज। और इसे हमें थोड़ा सा, मतलब एकदम पतला नहीं करना है, थोड़ा टाइट रखना है, क्योंकि ये खस्ता फ्लेवर हम पोटली बनाएंगे तो वो समोसे वाला क्रिस्प आना चाहिए, इसलिए। देखिए, इस तरीके से मैंने ये डो रेडी कर लिया है और ये बिल्कुल, मतलब देखा आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये बिल्कुल ढीला नहीं है, मतलब टाइट मैंने किया है। और इसको करने के बाद, जैसे हम अक्सर घर पे भी करते हैं कि हम रोटी चपाती बनाते हैं, तो उसी टाइम अगर डो रेडी करते हैं आप बनाते हैं तो अच्छा नहीं बनता, सेम वही प्रोसेस है कि हमें इसे 10 मिनट्स ऐसे छोड़ना है और थोड़ा सा बस इस पे ऑयल लगा दीजिए, जिससे कि ये मतलब थोड़ा सा इस पे एक ऊपर से ना पापड़ी सी जम जाती है तो उससे टाइट हो जाता है। बस इसको 10 मिनट के बाद रेडी करेंगे। इसी बीच मैं अपनी वेजीज को रोस्ट कर लेती हूँ तो टाइम यूटिलाइज हो जाता है। गरम हो चुका है, अब हम इसमें अनियन, ये मीडियम फ्लेम रखेंगे, तेज पर एकदम ये जल भी सकती है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमें, और ये हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस जस्ट फ्राई ही कुक करना है सभी चीजों को, जिससे इसका थोड़ा सा बस फ्लेवर अच्छा सा हो जाए। बस किसी स्टेज पे मैं इस पे ग्रीन चिली, पॉमीग्रेनेट हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि वो फ्रूट से वो वाटर कर देगा, बीन्स एक बार ऐसे मिक्स करेंगे। नाउ ग्रीन टी, सफल मटर, कॉर्न, कैरेट डाल देते हैं,
कैरेट थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि आपको भी पता है ये थोड़ा हार्ड होती है। अब इस स्टेज पर हम इसे जल्दी कुक करने के लिए इसमें लिटिल बिट सॉल्ट ऐड कर देते हैं जिससे ये अच्छे से कुक हो जाती है। 2-3 मिनट में जब ये हमारा गाजर अच्छे से कुक हो जाएगा तब हम इसमें मैगी ऐड करेंगे। अब अच्छे से ये मेरी सभी वेजीज कुक हो चुके हैं। हमें इसमें जिंजर पेस्ट और ये जो मैगी मैंने बनाया था पहले से बॉइल कर लिया था एक्चुअली, इसको ऐड कर देते हैं। और इस स्टेज पे टोमेटो केचप ओनली 1 स्पून, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, मैगी मसाला 1 पाउच, क्योंकि हमें इसमें चाइनीज फ्लेवर देना है एक्चुअली। अब इसको पूरा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब मैं इसमें हर्ब मिला दी हूँ, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो मिला सकते हैं और इवन हो अगर आपके पास है। एंड 1 स्पून सोया सॉस, ओनली 1 स्पून। अब इस पूरे मिक्सचर को बस चला के हम इस स्टेज पर गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हमारा ये मिक्सचर रेडी है, बस जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमने इसमें अनार के दाने जो लिए थे वो ऐड कर दिए। ओके, अब ये रेडी है मिक्सचर। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी, फिर हम इतने बीच अपनी पोटली को रेडी कर लेते हैं और हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा। फिर इसकी फिलिंग रेडी करते हैं। देखिए आटे को रखे हुए 15-20 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने एक बार इसको और अच्छे से इस तरीके से कर लिया, और जैसे हम पूड़ी की लोइयां बनाते हैं तो थोड़ा सा आटा इसे लेना है और इसको इस तरीके से फिर हम इक्वल इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे हमने ये नाइफ लिया तो हम एक हमें आइडिया हो जाता है कि हमें ये इसी साइज की बनानी है, तो इस तरीके से हमें इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना। देखिए इस तरीके से मैंने अपनी ये सब पोलियों को कर लिया। अब इस तरीके से आप हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, इससे ही स्मूथ इस तरीके से हमें पूड़ी जैसी लोइयां बनानी है सबकी, और फिर हम रोलिंग पैन इनकी हेल्प से इसको पूड़ियों की तरह बेल लें। अब देखिए मैंने इस तरीके से ये अपनी सभी लोइयों को रेडी कर लिया है और इसे आप रोलिंग पिन की हेल्प से पूड़ी की तरह बेल लीजिए। एक्चुअली मैं ये सरफेस को यूज करती हूँ, मुझे इससे कंफर्टेबल लगता है। आप चाहे तो चकले पे भी कर सकते हैं। अब देखिए ये मेरा रेडी है। इस तरीके से इसके मिड में ये मैगी और ये वेजीज को फिल करूंगी। इस तरीके से सेंटर में होना चाहिए और ऐसे हमें इसके प्लेट्स बनाने हैं चारों तरफ से। हमें इसको ऐसे ऊपर ले लेना है बस इस तरीके से। अब इधर है तो आप इधर का भी यहाँ पर रखकर ही, और बस इस तरीके से जब हमारा ये ऊपर आ जाएगा तो यहां से हमें इसे मिड में से हल्का सा प्रेस करना है और ये बिल्कुल पोटली जैसी शेप देनी है। इस तरीके से मैं अपनी सब पोटली को रेडी कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने अपनी सब पोटली रेडी कर ली है। नाउ इट्स टाइम टू फ्राई। ओके, इसे हम डीप फ्राई करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत क्रिस्पी बनती है। चलिए देखिए अब कढ़ाई में घी तेल गरम हो रहा है, मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ले सकते हैं। इसको पहले हम हाई फ्लेम पर अच्छे से गरम कर लेंगे और जब ये गरम हो जाएगा, आप देख सकते हैं मेरी फ्लेम हाई है, उसके बाद जब ये गरम हो जाएगा तो हम इसको लो फ्लेम कर लेंगे और उस टाइम हमें ये अपनी पोटली को फ्राई करना है। ओके, अब मैं 1 बाय 1 पोटली को इसमें डाल रही हूं। इस तरीके से मेरी ये छोटी सी कढ़ाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली। इसमें इसका डेप्थ बहुत अच्छा है तो फोर इजीली फ्राई हो जाएंगी और ये जब चारों तरफ से अच्छे से सुनहरा सुनहरा लाइट ब्राउन कलर तक सेक जाएगा तो फिर हम इसको पलट देंगे। और आपको इसको हर साइड से सेकना है, मतलब क्योंकि ये पोटली यहां से बनी हुई है तो ये कच्ची रह जाती है, तो
तो मेनली आपको इसीलिए बता रही हूँ कि इसको पूरा घुमाकर चारों तरफ से आपको अच्छे से इसको डीप फ्राई करना है। इसमें ऑयल ज्यादा नहीं लगता, बहुत कम ऑयल लगता है, तो इसीलिए आप टेंशन भी ना लीजिए कि ये बहुत ज्यादा ऑयली होगा, बट बहुत यम बनता है, प्लीज जरूर ट्राई करिएगा आप एक बार। देखिए मैंने इसको पूरा अच्छे से इधर उधर करके साइड से मिड में से पूरा सेक लिया, आप देख सकते हैं पूरा ये लाइट ब्राउन कलर का हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसको हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये सिक तो जाएंगे बट अंदर से रॉ लगता है, कच्चा लगता है, टेस्टलेस लगता है, बट अगर हम इसे मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल जैसे मच्छी वगैरह बनाते हैं तो ये बहुत क्रिस्पी बनता है। अब ये मेरे रेडी हो चुके हैं, मैं इसको वन वन करके प्लेट्स में इस तरीके से निकाल लूंगी। इसके लिए हम ये फॉर्क यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, इजीली आ भी जाते हैं ग्रिप में, क्योंकि छोटी मैंने कढ़ाई ली हुई है। इस तरीके से मैं अपनी सभी पोटलीज को रेडी कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लाइट ब्राउन ये सिका है। देखिए मेरी पोटली ये सब रेडी है बिल्कुल अच्छे से। मैंने ये लाइट ब्राउन होने तक आपको बताया था कि बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको ये ट्राई करने हैं, वरना ये अंदर से कच्चे। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको ग्रीन चटनी, टोमेटो केचप, वैसे इसमें अच्छा मसाला है पूरा चाइनीज फ्लेवर का, तो ऐसे भी बहुत क्रिस्प लगती है, बट फिर भी मैं इसको थोड़ी सी टॉपिंग कर देती हूँ इसकी टोमेटो केचप के साथ। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज चाइनीज पोटली को जरूर ट्राई करिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ओके, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।